किसानों के घरों में कई वर्षों के बाद खुशहाली आई है। इस खुशी का कारण दिल्ली के नरेला अनाज मंडी के आंटियों की ओर से अप्रैल में गेहूं की बंपर खरीदारी करना है। न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा कीमत पर फसल बिकने से किसानों को काफी फायदा हुआ है। एमएसपी से 400 से लेकर 500 रुपए ज्यादा कीमत पर बिक रहे गेहूं ने किसानों के घरों में खुशियां लौटा दी है। अब तपा देने वाली गर्मी उनके लिए दिवाली से कम नहीं है। हालांकि भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफसीआई की ओर से इस बार गेहूं की कोई खरीदारी नहीं की गई है। इसका कारण है एमएसपी से ज्यादा कीमत पर आंटियों द्वारा गेहूं की खरीद करना। साथ ही एमएसपी से ज्यादा कीमत पर आंटियों द्वारा खरीद करने के बाद कोई भी किसान एफसीआई के पास गेहूं बेचने नहीं पहुंच रहा है। नरेला मंडी में बनाए गए काउंटर पर एफसीआई व अन्य विभाग के कर्मचारी और अधिकारी पूरा दिन खाली बैठकर मां वापस लौट रहे हैं। अप्रैल में आंटियों की ओर से 2,88,413 क्विंटल गेहूं की खरीद की गई है। ये गेहूं एमएसपी से 1 रुपए ज्यादा से लेकर 500 रुपए से ज्यादा तक खरीदे गए हैं। नई होली के बाद अचानक से पड़ी भीषण गर्मी की वजह से इस बार गेहूं का विकास अच्छे से नहीं हो पाया था। दाने भी सिकुड़ गए थे। संभावना जताई जा रही थी कि ऐसे में अगर किसान एफसीआई के पास गेहूं लेकर जाते हैं तो ज्यादातर किसानों के गेहूं के सैंपल को रद्द कर दिया जाता है, लेकिन पहले दिन से ही किसान आंटियों के पास पहुँचने लगे थे। कई किसानों ने बताया कि उनको इसकी उम्मीद भी नहीं थी कि उनके गेहूँ एमएसपी से ज्यादा कीमत पर खरीदे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं, बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।